कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते आज ईद का त्यौहार लोग घरों में ही मना रहे हैं। इसी क्रम में समाज सेवक रहमान खान ने भी मिनी लॉकडाउन के चलते रमजान के महीने में अनाज व फल वितरित कर लोगों को घरों में रहकर ईद मनाने की अपील भी की है। आज इस ईद के पावन पर्व पर रहमान खान को सैकड़ों लोगों ने शुभकामनाएँ दी। इस मौके पर स्थानीय भाजपा के पूर्व प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त की है। आज हमारे पूरे देश में मेरे पूरे मुस्लिम भाई बंधु को मैं ईद का दिल से उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि एक ये अब मिलन का दिन है और गले लगा के लोगों को भाईचारा कामयाब करते हुए मैं ईद मुबारक करता हूँ। मैं ईश्वर से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान से मैं चाहता हूँ कृपा कि जल्द से जल्द जो वैश्विक महामारी है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हमारा देश एकदम स्वस्थ निकले। आज ईद हमारा बहुत खुशी का दिन है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो पहले आज के 2 साल पहले खुशियाँ हम लोग मनाते थे और आप सब लोग मिल करके अच्छे से हम लोग के साथ में रह करके सपोर्ट करते थे, एक गले से गले मिलते थे, भाईचारगी हम लोग जाहिर करते थे अपना सबके सामने। अब वो दिन तो नहीं रह गया, लेकिन ये बहुत दुखद का वक्त चल रहा है जो आज हम लोग एक किसी दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ईद की नमाज मस्जिदों में जा कर के नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कोरोना की बीमारी जो चल रही है, खैर मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि ये कोरोना की बीमारी जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हर लोग पहले जैसे सुकून से अमनो चमन से रहते थे वैसे ही रहें। और हम इस ईद के खुशी पे आप सभी देशवासियों को अपने तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जो इतने लोग परेशान हाल हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर, इसके ऊपर अपने सरकार से कहूँगा और हर जगहों के सरकारों से ये कहूँगा कि वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और लोगों की भलाई करें और जो भी तकलीफ है उनको दूर करें और गरीबों का मसीहा बने। हमारा यही कहना है, बस यही कह करके हम अपना समाप्त करता हूँ।